हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 23 जून का वो दिन जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है उसी की तैयारी में जो है आपको आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट टू के जो टारगेट 222 सीट्स है हमारा, तो देखो हमें चाहिए एक सीट, 221 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हमें लड़ना है सिर्फ एक सीट के लिए। तो आइएगा इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस के माइनर एक्ट्स के आपको नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो भी आप मुझे 8377032873 पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज इम्पॉर्टेंट एग्रीव पर्सन। एग्रीव पर्सन कौन होता है डीवी एक्ट में? एक ऐसी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस में, एनी वुमन ऑफ एनी एज, ये याद रखना, कोई भी महिला किसी भी एज की, हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशन। डोमेस्टिक रिलेशन किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ। हु इज़ रिस्पोंडेंट कौन हो? जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्यूज हो टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वुमन। चाइल्ड की बात करूं तो चाइल्ड वो पर्सन होता है जो 18 साल की उम्र से नीचे होता है। कंपनसेशन ऑर्डर जो है सेक्शन 22 में दे रखा है। कस्टडी ऑर्डर जो है सेक्शन नंबर 21 में दे रखा है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑन द रिसीविंग ऑफ अ कंप्लेंट बाय हुम, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा या बाय द सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। कहाँ पर भी है प्रोटेक्शन ऑफिसर? प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 9 में दे रखा है। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको सेक्शन 10 में दे रखा है। डोमेस्टिक रिलेशन की मैं बात करूँ तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन जो कि जिंदा है और एट द टाइम ऑफ जब ऑफेंस हुआ है तो वो शेयर हाउस होल्ड में इकट्ठा रहते थे। दोज पर्सन आर रिलेटेड, चाहे वो कॉन्जेनिटी से हो, मैरिज से हो, अडॉप्शन से हो। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, लिव इन रिलेशनशिप भी ऑल्सो अ कंसेप्ट अंडर डीवी एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, चाहे वो नेचर ऑफ मैरिज कोई भी हो, चाहे वो वैध शादी है या अवैध शादी है, अगर लड़का या लड़की या दो पार्टनर्स जो हैं सेम छत के नीचे रहते हैं ड्यू टू मैरिज, कॉन्सिन्यूटी, अडॉप्शन, ब्लड, किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पर जो है फीमेल 18 साल से नीचे का हो या ऊपर का हो या कोई भी पर्सन, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप बेसिकली वहाँ पर आप डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में उसको लेकर आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, दे मे और मे नॉट बट वॉज लिविंग एज अ जॉइंट फैमिली या जॉइंट फैमिली का वो हिस्सा रहे हों। क्लॉज नंबर ई पर आते हैं, सॉरी जी पर आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है। डॉरी की डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन ऑथराइज है? तो जेएमआईसी और एमएम साहब जो हैं ऑथराइज हैं, जो कि आपके सीआरपीसी 1973 के बेसिस पर यहां पर लिया गया है। तो किस बेसिस पर और कहां पर ये फाइल हो सकता है? जहां पर रिस्पोंडेंट और एक्यूज रहे हों, या वो टेम्प्ररी बेसिस पे हों या वो अदरवाइज रहे हों। अब मेडिकल फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने निर्धारित की गई है। मॉनेटरी रिलीफ की बात की जाए तो मॉनेटरी रिलीफ वो कंपनसेशन होता है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा रिस्पोंडेंट को ऑर्डर किया जाता है टू पे टू द एग्रीड पर्सन एट एनी स्टेज ऑफ द हेयरिंग। यहाँ पर ये नहीं है कि प्राइमा पैसा ही दिया जाएगा या बाद में दिया जाएगा, एट एनी स्टेज ऑफ द हेयरिंग। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो एप्लीकेशन लगाया है या जो केस की प्रोसीडिंग्स है उसका खर्चा एटलीस्ट वो पे आउट कर सके। सो अब बढ़ते हैं टू पी और टू एन और ओ की। इनका प्रोटेक्शन ऑफिसर दे रखा है एन में, ओ में प्रोटेक्शन ऑर्डर दे रखा है। अब बात करते हैं क्यों की। क्यों क्या है? एक मेल अडल्ट पर्सन है जो क्या कहता है, ये बेसिकली रिस्पोंडेंट के बारे में बताता है। ही इज एन अडल्ट मेल मेंबर जो कि एक डोमेस्टिक रिलेशन में विद एग्रीव्ड वूमन है, हुम इज एन एग्रीव्ड एंड जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है फॉर द क्लेम ऑफ रिलीफ अंडर डीवी एक्ट। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये हमेशा याद रखिएगा, इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट जो है विक्टिम दायर करे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, या तो उसके हस्बैंड या कोई भी मेल पर्सन जो है उसके बिहाफ पे कर सकता है।
अडल्ट मेल मेंबर को जो है अब डिलीट कर दिया गया है विद रेफरेंस टू हरसोरा वर्सेस हरसोरा के केस से। शेयर हाउसहोल्ड की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो शेयर हाउसहोल्ड वो जगह होती है जहाँ पर एग्रीव्ड और जो है रहता है, एग्रीव लिव्स और लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशन आदर सिंगली और विद द ज्वाइंट विद द रिस्पॉन्डेंट वेदर ओन्ड या टेनेंटेड है या एग्रीड पर्सन के द्वारा इकट्ठा है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको राजस्थान जुडिशरी की हमारी टेस्ट सीरीज़ अवेल करनी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। टोटल 50 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, 10 जो है अपलोड किए जा चुके हैं, टोटल 50 टेस्ट हैं जो आपको अपलोडेड हैं वो भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, टोटल 50 टेस्ट हैं, 25 लॉ के, 15 लैंग्वेज के और 10 जो है आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर क्विक रिवीजन बैच जो है आपको भारद्वाज लॉ अकेडमी का ज्वाइन करना है जिसके डेमो 6 से 8 के बीच में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो अगर आपको इस बैच के साथ जुड़ना है तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8377032873। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें।